चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे तो पूरी दुनिया को लगा था कि अब दोस्ती की नई शुरुआत होने वाली है। अमेरिका और चीन नए सिरे से इस दोस्ती की शुरुआत करके कुछ बड़ा करेंगे। हालांकि बैठक को लेकर जो तस्वीरें और जो बातें निकल कर सामने आई वो इससे कुछ अलग थी। दोनों के बीच में एक अलग तरीके की गहमा गहमी थी। विचार विमर्श हुआ तो अमेरिका राष्ट्रपति ने बैठक के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बुला दिया। अब इन सब के बीच में दो बड़ी शक्तियों के प्रमुखों के बीच हुई बैठक के बाद आंकलन निकाला जा रहा है कि इससे भारत को फायदा होगा या नहीं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक का भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर। बाइडेन और जिनपिंग की हाली बातचीत को दोनों देशों के संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलाने के तौर पर देखा गया। दोनों देशों के बीच हुई चर्चा का फोकस कई मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मुद्दा दोनों के बीच अच्छी दोस्ती का संकेत देना ही था। इस नए घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने के नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा गया। इस बैठक को चीन के लिए बहुत बड़े कूटनीतिक लाभ के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और आर्थिक विकास पर बढ़त बनाने के लिहाज से इस बैठक को देखा। चीन आर्थिक विकास को बढ़ाने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका के साथ तनाव को कम करने या फिर तनाव को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बैठक के बाद एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने बताया कि उनकी कभी भी किसी देश के साथ दुश्मनी नहीं रही है, उनके देश ने कभी भी किसी तनाव की शुरुआत नहीं करी है। विस्तारवादी नीति के साथ पड़ोसियों के साथ संघर्ष करने वाले चीनी राष्ट्रपति कह रहे थे कि उनका किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया कि उनके देश ने पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद से 70 सालों और उससे अधिक समय में चीन ने कोई संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया है या एक इंच भी विदेशी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। शी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी बैठक के बाद आया। बड़ी बात यह कि यहाँ बड़ी भूमिका एशिया प्रशांत क्षेत्र का भी है। बड़ी बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर इस बैठक के मायने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में भी बढ़ती चीन की बढ़त को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कैसा मैसेज अमेरिका के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमेरिका इसे लेकर शांत नहीं रहा। व्हाइट हाउस के रीडआउट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता और सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने शी चियांग तिब्बत और हांगकांग सहित PRC मानव अधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताई। यानी चीन भले ही अपने आप को शांति पसंद देश दिखाने की कोशिश कर ले, तस्वीर अमेरिका की नजर में चीन की साफ है। चीन आक्रामक देशों के तौर पर ही उभर कर सामने आया है। अब अमेरिका के साथ चीन दोस्ती का परपंच कर ले वो बात अलग है। भले इनकी दोस्ती भी हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और आने वाले समय में भी भारत इसे और ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिशों में जुटा है। रूस के साथ पुराने और इसके साथ साथ दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने के लिए भारत निरंतर प्रयासों में जुटा रहता है। वहीं अगर चीन की बात करते हैं तो भारत के लिहाज से अभी भले ही स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कभी भी चीन के साथ भारत सीधे संघर्ष के लिए नहीं जाता है। इस लिहाज से आने वाला युग, आने वाला समय बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत के लिए सफलदायक ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।